बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर बिजली चैनल। जो शख्स खाएगा इस तरह बादाम, वो कर देगा औरत का काम तमाम। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका आपकी खिदमत आलिया में पेश करने जा रहा हूँ। ऐसा ज़बरदस्त टोटका है, ऐसा अजू को बहर निकालता है कि यकीन करिए कि आप एक दफ़ा याद करेंगे कि ऐसी तेज़ी से निकालेगा अजू को बहर कि मैं कहता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार वाकई हकीम साहब ने कोई कमाल का टोटका बताया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बादाम शामिल होते हैं। बादाम आपको पता है क्या क्या चीज़ें इसके फ़ायदे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताए हैं। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जो चीज़ शामिल होती है वो है खसखस, जिसे हिंदी में खसखस कहा जाता है और इंग्लिश में से पोपी सीड्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये आपने ले लेने हैं। और आखिर में आपको यहाँ पर चीज़ चाहिए मिश्री। ये देखिए, ये मिश्री इसको बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए धागे वाली मिश्री आपने ले लेनी है। ये तीन चीज़ें, अब इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हवन दस्ता ले लेंगे और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आपने देखनी है कितनी मैंने डालनी है। बहुत आसान है, इसमें दो अदद, एक दिन का टोटका बताऊंगा, दो अदद आप बादाम शामिल कर दें। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपका भला करे। उसके बाद आप इतनी सी खशखाश, ठीक है जी, ज़्यादा आपने शामिल नहीं करनी क्योंकि आपको पता थोड़ा मौसम जो है ना वो नरम गरम चल रहा है, तो उस लिहाज से आपने मामूली सी डालनी है। मिश्री देख लें, एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, ये भी बीच में डाल दें, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। अब तीनों चीज़ों को हम बारीक कूट लेते हैं जी। तो अच्छे तरीके से हमने इसका सफूफ तैयार कर लिया है। ये देख लीजिए कि हमें पता चल जाए जी हमने दिन में इतनी चीज़ खानी है। ठीक है जी, ये देखिए, अब ये चीज़ जो है ना, ये देखिए, ये एक दिन का टोटका है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये देखें, ये पूरे का पूरा सफूफ जो है ना, ये दूध के अंदर डालकर ना जो शख्स पी लेगा, मैं उसको कहता हूँ कि उसका सिस्टम जितना मर्जी ख़राब हुआ हुआ है, उसका सिस्टम में सख्ती नहीं है, सिस्टम उसका ख़राब हुआ हुआ है, तंदी मजबूती नहीं आती, अच्छे तरीके से जो है ना वो मुतमईन नहीं कर पाता, तो ये इतना ज़बरदस्त कर देगा ना आपका निज़ाम, सिस्टम जिसे कहते हैं। आप समझ रहे होंगे किसे मैं बात कर रहा हूँ, कि यार आप हैरान रह जाओगे कि एक दफ़ा के, यानी पहली दफ़ा के इस्तेमाल से, मैंने खुद बताते खुद अगर इसको पहली दफ़ा जब इस्तेमाल किया ना, तो यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना फ़ायदा हासिल हुआ है मुझे, इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो इसका रिजल्ट हासिल हुआ है, तभी मैं इसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।